नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जवल और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला एंड पाठशाला रेलवे एग्जाम में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मंगलवार से मैं करंट अफेयर थोड़ा सा जो है चेंज करके लेके आऊँगा। आपके बहुत सारे सुझावों को आज की क्लास में मैंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है और जो पुराना जो हमारा फॉर्मेट था करंट अफेयर का, जो पिछले एक साल से चल रहा था, उस फॉर्मेट में हम बहुत सारा डिटेल डिस्कशन करते थे, जिसमें से वन डे एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है जाती थी। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी थी जो एग्ज़ाम के हिसाब से रेलिवेंट थी, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी थी वो एग्ज़ाम के हिसाब से रेलिवेंट नहीं थी। उस तरीके का डिटेल जो है करंट अफेयर डिस्कस करने का मतलब ये हो गया कि या तो हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर हम पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर हम स्टेट के किसी पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। जो स्टेटमेंट होता है मेन, जो आपका मेन खबर होता है आपके वन डे एग्ज़ाम में, सिर्फ उन्हीं खबरों से कोई ना कोई क्वेश्चन बनाया जाता है। तो मैंने कुछ आपके सुझावों को इम्प्लीमेंट किया, कुछ क्या लगभग जितने आपने सुझाव दिए थे वो सारे सुझावों को मैंने आज की क्लास में इम्प्लीमेंट किया है। अगर आज की क्लास आपको पसंद आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जो है ज़रूर मैसेज कन्वे कीजिएगा कि ये फॉर्मेट बिल्कुल सही है, बिल्कुल एक्यूरेट है। पहले जो इन्फॉर्मेशन हम आपको 35 मिनट में देते थे, उससे कहीं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आज की क्लास में हम आपको 15 से 16 मिनट में दे देंगे, जो एग्ज़ाम के हिसाब से सबसे ज़्यादा रेलिवेंट होने वाली है। तो दिन के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे जो है कोट ऑफ द डे के साथ, डोंट फॉलो योर ड्रीम चेज देम। ड्रीम्स को देखो, फॉलो मत करो, उसको लपक लो। लाइक देख रहे, ये जो है मूव होना चाहिए आपका, ये पोज होना चाहिए कि इस बार का एग्जाम मेरे से बच के नहीं रहेगा, बिल्कुल आक्रोश रहो। तो चलो करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं और आप, मेरा जो टारगेट होगा वो 500 लाइक का होगा। इधर टाइम देख रहे हैं, 2 बज रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क लग रहा है। जब भी आपको समझ ना हो कि कब मैंने करंट अफेयर शूट किया है, यहाँ पे हर बार जो है स्क्रीन पे टाइमर लगा रहता है, टाइम के हिसाब से आप समझ जाओगे कि कब मैंने करंट अफेयर शूट किया है। तो लाइक का बटन हिट करने में देखो कोताही मत डालना, टारगेट है 500 लाइक का, जो मुझे लगता है बहुत आसानी से आप पहुँचा दोगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। दिन का पहला क्वेश्चन है, हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने के लिए प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। वैसे हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, आपने एक सुझाव दिया था 8 सितंबर, 12 सितंबर, 10 सितंबर भी आया है, तो मैं इसको भी रिवाइज करता हुआ चलूँ। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी भाषा को लेके, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। हिंदी जो है हमारे जो है वर्ल्ड की चौथी ऐसी भाषा है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो सबसे पहली भाषा कौन सी बोली जाती है, मंदारिन नाम की भाषा होती है, जिसको चाइनीज मंदारिन कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा चाइना में बोली जाती है और वर्ल्ड वाइड भी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। दूसरे नंबर पर स्पेनिश है, तीसरे नंबर पर इंग्लिश और चौथे नंबर पर हिंदी है। तो आपके सुझाव को मैंने इम्प्लीमेंट किया है। इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ 8 सितंबर को ध्यान से देखिए इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है, 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है, 12 सितंबर को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 2020 मनाया जाता है और इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन भी मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 2020 की, तो देखो यार ये जो है 2020 से ही मनाया जाना है और हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाना है। इस बार जो दूसरा शनिवार पड़ा था वो 12 तारीख को पड़ा था। जरूरी नहीं है कि अगली साल ये 12 तारीख को शनिवार पड़े, अगली साल जिस भी तारीख को दूसरा शनिवार पड़ेगा उसी दिन जो है वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाया जाएगा। अब बात आई थी चाइनीज मंदारिन को लेके, तो चाइना पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। चाइना की जो कैपिटल है वो है बीजिंग, चाइना की जो करेंसी है चाइनीज युआन बोलते हैं उसको, और यहाँ के जो पीएम है वो सी जिनपिंग है। इतना इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत काफ़ी होगा, कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। फिर अगला है दुनिया भर में वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 2020 कब मनाया जाता है। मैंने आपको बताया कि 12 सितंबर को मनाया जाता है, डेट सारे कॉमन ही है। सो 12 सितंबर की बात कर रहे हैं, 12 सितंबर इस बार मनाया गया है, अगले साल जरूरी नहीं है, सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाना है। ये बेसिकली क्या है कि उपचार को लेके लोगों के बीच में जागरूकता जो है फैलाने के उद्देश्य से ये डे मनाया जाता है। सो अगले खबर की तरफ मूव करेंगे। अगला खबर है, किसने 2020 यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में बेलारूस की विक्टोरिया अजारोंका को हराकर वीमेन सिंगल का खिताब जीत लिया है। ये जीता है नाओमी ओसाका ने, और नाओमी ओसाका के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो एक बात और समझिए कि रात को जब हम पढ़ा रहे होते तो मुँह में थोड़ा पानी आ रहा होता, तो टंग थोड़ा स्लिप कर जाता है, और जब स्लिप करे तो थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे जापान की नाओमी ओसाका को, इन्होंने 2020 यूएस ओपन टूर्नामेंट में बेलारूस की विक्टोरिया को हरा के खिताब जीता है, सिंगल वीमेन सिंगल का खिताब जीत लिया है। ये 3 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीत के एशिया की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई है जो 3 ग्रैंड स्लैम जीती हैं, और इस जीत के साथ ओसाका जो है विश्व की जो रैंकिंग है वो तीसरी रैंकिंग में खड़ी हो गई हैं। बात आ रही है जापान की, तो जापान के विषय में थोड़ा सा जानेंगे। जापान की जो कैपिटल है वो है टोक्यो, करेंसी है जापानीज येन, और यहाँ के पीएम है शिंजो अबे, जो कि 2012 से हैं। आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है क्या जापान में जो है प्रेसिडेंट नाम की कोई चिड़िया होती है। सॉरी, प्रेसिडेंट सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारी उसमें कंट्री में,
लेकिन मैं यहाँ थोड़ा फन में आ गया। तो प्रेसिडेंट जैसी कोई पोस्ट होती है कि नहीं वहाँ पे? अगर होती है तो कौन इस वक्त प्रेसिडेंट की पोस्ट पे बैठा हुआ है, अगर नहीं होती है तो क्या वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ही सब कुछ होता है? आप नीचे बताइएगा, इससे विषय में डिटेल इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वाली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे, अगर आप नीचे कमेंट सेक्शन में ना बता पाए तो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसने 2020 के US ओपन टूर्नामेंट में अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को हरा कर मेन सिंगल का खिताब अपने नाम कर लिया है? देखो भाई साहब, ये डोमिनिक थिएम ने किया है, ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, इन्होंने हरा के किया है। अब बात आ रही है ऑस्ट्रेलिया की, तो आपने बोला था सर ऑस्ट्रेलिया के विषय में बताइए, तो मैंने क्या काम किया है कि मैंने ऑस्ट्रेलिया को भी ले लिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, यहाँ पे जो करेंसी है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलती है, पीएम यहाँ के स्कॉट मॉरिसन है जो कि लिबरल पार्टी के लीडर हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है G20, और जैसे G20 का नाम आता है मेरी करंट अफेयर की पहली क्लास आ जाती है, मैंने इसको वहाँ पे ग्लोबल 20 बताया था, जबकि ये ग्लोबल 20 नहीं है, 20 देशों का समूह है, ग्रुप 20 बोलते हैं इसको, ग्रुप 20 देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की आभासी बैठक हुई थी। तो जितने भी इस ग्रुप में कंट्री आते हैं उन सभी के रोजगार मंत्री जो है इन लोगों का वर्चुअल मीटिंग हुआ था। तो पूछा जा रहा है कि भारत की तरफ से इसका प्रतिनिधि किसने किया था? संतोष गंगवार जी ने किया था। ये जो है अभी रिसेंट में कब से, 31 मई 2019 से इस पोस्ट पे बैठे हुए। सो इसमें इससे ज़्यादा रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं इसको स्किप करता हूँ। और वर्ष 2020-2021 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ABC, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन लिखा हुआ है, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ABC के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? शशिधर जगदीशम, प्रदीप शाह, वरुण सिद्धागर और आखिरी है देवेंद्र विजय दारदा, ये इसके चेयरमैन के रूप में चुने गए हैं, देवेंद्र विजय दारदा। थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन ABC के विषय में जान लेते हैं। इसके उपाध्यक्ष जो हैं वो करुणेश बजाज नाम के व्यक्ति चुने गए हैं। और अगर हम मैं बात करूं कि ABC है क्या, ये एक गैर लाभकारी है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, स्वैच्छिक संगठन है, जिसमें सदस्य के रूप में प्रकाशक हैं, विज्ञापनदाता हैं, विज्ञापन एजेंसियां हैं। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। यह प्रमुख प्रकाशनों जैसे समाचार पत्रों को, पत्रिकाओं को आदि के इनके सर्कुलेशन को प्रमाणित और ऑडिट करता है। बेसिकली ये जो है ऑडिट करने की एजेंसी है, ABC समाचार पत्रों के ऑडिट करने की एजेंसी है, उसे प्रमाणित करने की एजेंसी है। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। चेयरमैन हमारे जो साहब हैं वो देवेंद्र विजय दारदा हैं और इसके जो है उपाध्यक्ष हैं करुणेश बजाज जी हैं। सो थोड़ा सा और आगे की तरफ मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। RBI के हालिया जारी दिशा निर्देशों के अनुसार एक मुख्य अनुपालन अधिकारी CCO के लिए न्यूनतम निश्चित अवधि कितने वर्षों से कम नहीं होनी चाहिए? ये जो है 3 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। देखो अभी आज की जो क्लास में है मैं जो डिस्कशन कर रहा हूँ, CCO ये एक नाम आया RBI की तरफ से, तो हमें क्या है CCO के विषय में रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन समझना है। जैसे आज की क्लास से पहले हम क्या समझते थे, मैंने क्या चेंजेस किया, मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ये इतना सारा इन्फॉर्मेशन लेके आता था और समझाने के लिए सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं इसको एक बार पढ़ के सुनाता हूँ ताकि आप समझ पाओ कि मैंने परिवर्तन क्यों किया है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बैंकों के एक मुख्य अनुपालन अधिकारी CCO की अध्यक्षता में स्वतंत्र कारपोरेट अनुपालन तंत्र की स्थापना की है। CCO की अध्यक्षता में स्वतंत्र कारपोरेट अनुपालन तंत्र की स्थापना की है, एक टाइप का जो है एक जो है सिस्टम बनाया गया है जिससे स्वतंत्र कारपोरेट को अनुपालन में डाल दिया जाए, जो कारपोरेट कल्चर है उसे सही से उसका अनुपालन हो, जो रूल्स और जो नियम लागू हो, बैंकिंग बेसिकली बैंकिंग में अमूल्य। RBI का काम क्या है भाई, ये बैंक को ही तो गवर्न करती है, तो बैंकों के लिए है CCO एक पोस्ट इन्होंने क्रिएट किया है और जो कि प्रभावी ढंग से अनुपालन जोखिम के प्रबंधन का काम करेगा। CCO का काम क्या होगा, अनुपालन जोखिम को प्रबंधन करना। रिजर्व बैंक द्वारा दिए निर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति कम से कम 3 वर्ष की अवधि के अस्थायी कार्यकाल के लिए होगी। मुख्य अनुपालन अधिकारी CCO को केवल असाधारण परिस्थितियों में पूर्व निर्धारित और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करके ही स्थानांतरित अथवा पदस्थ किया जा सकता है। यदि किसी बैंक ने पहले से ही मुख्य अनुपालन अधिकारी CCO की नियुक्ति कर रखी है तो उन्हें आगामी 6 माह के भीतर नए नियमों के तहत अधिकारियों की नियुक्ति करनी होगी और यदि इन बैंकों का वर्तमान अधिकारी सभी मापदंडों को पूरा करता है तो उसे पुनः नियुक्त किया जा सकता है। देखो ये जो इन्फॉर्मेशन है आज के पहले हम इतना डिटेल लेते हैं, अब मेरा मानना है कि अब से जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो हमें सिंपली ये जानना है कि RBI ने क्या काम किया है। RBI ने एक पोस्ट बनाई है CCO को, इसका काम क्या है, इसका काम है अनुपालन जोखिम के प्रबंधन का। क्या है, अनुपालन जोखिम के प्रबंधन का, इसका काम अनुपालन जोखिम के प्रबंधन का है, जोखिम के प्रबंधन का है। अब एक बार समझिए, हर बैंक को क्या करना होगा, हर बैंक को एक CCO बनाना पड़ेगा।
जो जोखिम को जो है मॉनिटर कर पाए, और इस सीसीओ का जो कार्यकाल उसको रखना होगा 3 साल रखना होगा, स्थायी रूप से रखना होगा, और इसको वह ऐसे नहीं निकाल सकती, कोई भी बैंक इसको अपनी मर्जी से नहीं निकाल सकती है। उसको क्या होगा, एक पहले से ही निर्धारित एक प्रक्रिया होगी और पारदर्शी प्रक्रिया होगी, उसी प्रक्रिया के हिसाब से वो इसे निकालेगा। और ये बोला गया है कि हर बैंक को क्या करना होगा, 6 महीने के भीतर सीसीओ को अपॉइंट करना है। अगर उसने पहले से अपॉइंट कर रखा है तो उसे रीअपॉइंट करना पड़ेगा। अगर वो बंदा जो निर्धारित सीसीओ वाली पोस्ट के लिए नियम है, उस नियम को अगर वो बंदा जो है सुटेबल बैठता है, उस पर फिट बैठता है, तो उसे अपॉइंट किया जा सकता है। तो बस इतना ही रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है। और जो इसमें आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो एग्जाम में जो यही पूछा जाता है कि सीसीओ को कितने साल का इसका कार्यकाल रखना है, 3 साल का कार्यकाल रखना है, और इसे हटाया कैसे जा सकता है, पहले से फिक्स नियम हो और पारदर्शी होना चाहिए। सो मैं ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कट डाउन करके 7 मिनट 8 मिनट की इन्फॉर्मेशन 1.5 मिनट 2 मिनट में देने वाला हूँ अपने हर लेक्चर में, आने वाले लेक्चर में। सो अगले इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। हाल ही में लॉन्च किए गए क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क CSCAF 2.0 में कितने संकेतक है, इसमें भाई साहब 28 संकेतक है। कितने संकेतक है, 28 संकेतक है। अब CSCAF बेसिकली ये नाम है, ये है क्या, आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हरदीप सिंह पुरी ने क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क, ये एक तरीके का फ्रेमवर्क है। क्या है ये, एक तरीके का फ्रेमवर्क है। आपको पता है कि स्मार्ट सिटी योजना चलाई गई है, तो एक फ्रेमवर्क बनाया गया है जिससे चीजों को मॉनिटर किया जा सके, ठीक है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के स्मार्ट सिटीज मिशन द्वारा आयोजित एक आभासी कार्यक्रम द्वारा लॉन्च किया गया है ये, और ये बेसिकली फ्रेमवर्क है। आप इन शॉर्ट इसे जान लो, मैं ज्यादा लेंदी नहीं खींचना चाहता हूं। फ्रेमवर्क को जो है, फ्रेमवर्क में 5 श्रेणियां बनाई गई है और 28 संकेतक है। 28 संकेतक जो स्मार्ट सिटी है आपकी, वो स्मार्ट सिटी जो है 28 संकेतकों के पैरामीटर पे मापी जाएगी। 5 श्रेणियां बनाई गई है, उसमें 28 संकेतक दिए गए, उन्हीं पे हर सिटी को, हर स्मार्ट सिटी को मॉनिटर किया जाएगा। रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ इतना है। इसके अलावा इस वाली मीट में स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज ये भी जो है उन्होंने लॉन्च किया। स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज का मतलब ये हो गया कि जो सड़कें हैं वो लोगों के लिए सुटेबल बनाने के लिए कितना जो चैलेंज है उसको मॉनिटर करने के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, कि उनके पैदल चलने के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके अलग अलग चीज़ों के लिए स्ट्रीट्स कितनी स्मार्ट है, कितनी सही है स्मार्ट सिटीज में, ये प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया है। अब इसमें जो 5 जो श्रेणियां हैं उनका नाम क्या है, एनर्जी एंड ग्रीन बिल्डिंग, ऊर्जा और हरित भवन, अर्बन प्लानिंग, ग्रीन कवर एंड बायोडायवर्सिटी, शहरी नियोजन, ग्रीन कवर एंड जैव विविधता, मोबिलिटी एंड एयर क्वालिटी, गतिशीलता और वायु गुणवत्ता, वाटर मैनेजमेंट, जल प्रबंधन और कचरा प्रबंधन हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट, स्ट्रीट फॉर पीपल, ये चैलेंज हमारे शहरों में सड़कों को। अच्छा, आप ऐसे समझोगे ये जो 5 श्रेणियां बनी है इसमें 28 संकेतक है, इससे क्या होगा, बेसिकली जो स्मार्ट सिटीज है आपकी, स्मार्ट सिटीज को वो किस तरीके से और बेहतर बना सकते हैं, कहीं पे काम हुआ है कहीं पे काम नहीं हुआ तो मॉनिटर कैसे करेंगे। मॉनिटर करने के लिए उन्होंने पहले 5 श्रेणियां बनाई, 5 श्रेणियां उन्होंने ये बना दी, और उसके बाद 28 संकेतक बना दिए। ये 28 संकेतक ऐसे ऐसे हैं जिसपे हम मॉनिटर करेंगे, फिर बताएंगे कि कौन सी स्मार्ट सिटी बेहतर तरीके से बनी है, बेहतर तरीके से नहीं बनी है। तो इस फ्रेमवर्क में बेसिकली क्या है, CSCAF 2.0, ठीक है, क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क इसका फुल फॉर्म है। तो ये एक फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क में 5 श्रेणियां बनाई, 28 संकेतक बनाए, उस संकेतक के माध्यम से स्मार्ट सिटी को मॉनिटर किया जाएगा आसान भाषा में। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसने इटली के मुगेलो सर्किट में आयोजित Formula 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है, वल्टेरी बोटास ने, लुइस हैमिल्टन ने, मैक्स वेस्टर ने, अलेक्जेंडर एल्बन ने। तो लुइस हैमिल्टन ने ये जो मुगले सर्किट में आयोजित Formula 1 टस्कन जो है ग्रैंड प्रिक्स 2020 है ये जीत ली है। यहाँ पे इस रेस में वल्टेरी बोटास ये दूसरे स्थान पे आए हैं, अलेक्जेंडर एल्बन जो है ये तीसरे स्थान पे आए हैं। तो बात हो रही इटली की, इटली के विषय में कुछ फैक्ट जान लेते हैं क्योंकि यहाँ के बंदे ने जीता है। इटली की जो कैपिटल है वो रोम है, यहाँ पे करेंसी यूरो है, इसका शॉर्ट फॉर्म EUR लिखते हैं, जैसे डॉलर का सिंबल ये होता है, ये उसका सिंबल है। और अगर बात करें यहाँ के प्रेसिडेंट की तो सर्जियो मैटरेला ये यहाँ के प्रेसिडेंट है, और प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो गुसेपी कॉन्टे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। इसके बाद अगले इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। भारत की पहली कोरोना वायरस हवाई अड्डा परीक्षण सुविधा किस हवाई अड्डे पर शुरू की गई है, ये शुरू की गई है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली। अब यहाँ पे समझिए कि इसमें हुआ क्या है। अब जैसा भी क्वेश्चन है, भारत की पहली कोरोना वायरस हवाई अड्डा परीक्षण, कहने का मतलब है कि अभी तक क्या हो रहा था कि जो कोरोना का टेस्ट हो रहा था, कोरोना का टेस्ट हॉस्पिटल्स में हो रहा था, अब ये हवाई अड्डे पे ही होगा। ये किस तरीके से हवाई अड्डे पे होगा,
6 घंटे पहले आपको पहुंचना है वहां पे, और ये 50 से 60 मिनट में आपका जो है टेस्ट कर देता है और रिजल्ट आपका दे देगा 3-4 घंटे के अंदर। तो 6 घंटे पहले बोर्डिंग से 6 घंटे पहले अगर आप वहां पे पहुंच गए हो तो आपका टेस्ट हो जाएगा। ये पहली जो है पहल की गई है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली में। अब ये टर्मिनल 3 पे, वहाँ के टर्मिनल 3 पे ये सुविधा दी गई है, टर्मिनल 3 पे ये सुविधा दी गई है जो है टेस्टिंग की। और इतना बड़ा इन्फॉर्मेशन है, वही वो करना है, ठीक है। अब इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है ये स्लाइड कहीं और का है जो यहाँ पे आ गया है, इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे। क्वेश्चन को हो सकता है वापस देखना पड़ेगा, भारत की पहली कोरोना वायरस हवाई अड्डा परीक्षण सुविधा, ये हो चुका है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, यहाँ पे आ गया है वो गलत स्लाइड। पीएम मोदी ने हाल ही में बिहार में 2 LPG बॉटलिंग प्लांट्स का उद्घाटन कहाँ किया है? बैंका एंड ईस्ट चंपारण, और किशनगंज एंड कटिहार, भागलपुर एंड डुमका, दौगर एंड सहगा। तो ये जो किया है उन्होंने ये बंका एंड ईस्ट चंपारण में किया है। कहाँ पे? बंका एंड ईस्ट चंपारण में किया है। पीएम मोदी ने हाल ही में बिहार में 2 LPG बटलिंग प्लांट्स स्टार्ट किया है, LPG बटलिंग प्लांट स्टार्ट किया है। ये थोड़ा सा जो है नाम भी नया है, तो थोड़ा सा डिटेल में इन्फॉर्मेशन इसके विषय में देख लेते हैं। पीएम मोदी ने पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन विस्तार परियोजना के दुर्गापुर बांका खंड और पूर्वी चंपारण बांका में 2 LPG बॉटलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया। ये देखो एक चीज़ तो याद रखना, पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन विस्तार परियोजना के अंतर्गत ये काम किया है, पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन परियोजना के अंदर किया है। और बांका में LPG बॉटलिंग प्लांट बिहार और झारखंड के कई जिलों के लिए काम करेगा। पूर्वी चंपारण संयंत्र बिहार के कई जिलों और यूपी के कुशीनगर जिले के लिए काम करेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पूर्वी चंपारण और बांका में LPG बॉटलिंग प्लांट प्रस्तावित किए गए हैं। 7 राज्यों को 3000 किलोमीटर गैस पाइपलाइन के माध्यम से प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना के तहत जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना के तहत उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा में लगभग 3384 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण किया जाएगा। 2655 किलोमीटर लंबी जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धामरा पाइपलाइन और 729 किलोमीटर लंबी बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना के तहत गेल द्वारा चलाई जा रही है। अब एक बात समझिएगा, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो हर रोज़ हम आपके लिए लेके आते हैं, और मेरा मानना है कि ये सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन है ये कभी भी आपके एग्ज़ाम में आएगा नहीं। और बीइंग ए स्टूडेंट अपन लोग इसको याद करते रहते हैं, इसको रोज़ याद करते रहते हैं। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ, अगली क्लास में ये पार्ट भी मैं कट कर दूंगा, जो 2-3 स्लाइड और लेके आया हूँ आपको ये समझाने के लिए। ये सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने रिलेवेंट नहीं है। आप इसमें बहुत सारा समय जो दे रहे हैं वो आपका कीमती समय बर्बाद हो रहा है, एग्जाम की तैयारी अच्छे से नहीं हो पा रही है। तो इन पार्ट्स को आप स्किप करो, सिंपली बस आपको ये याद रखना होगा कि पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन विस्तार परियोजना के तहत दुर्गापुर बांका खंड और पूर्वी चंपारण और बांका में 2 LPG बॉटलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया है। LPG बॉटलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया कहाँ किया है? बांका एंड पूर्वी चंपारण में, बांका एंड पूर्वी चंपारण में, साउथ चंपारण में किया गया है। सो उम्मीद है आज का करंट अफेयर थोड़ा सा आपको अलग लगा हो। नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा इसमें किस तरीके का और इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं। आने वाली क्लासेज में मैं MCQ के माध्यम से सिर्फ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन और उससे रिलेटेड करंट अफेयर या फिर न्यूज़ समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि 12-15 मिनट में आपको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दिया जा सके।